निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह दो चार घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। मैं पवित्र आत्मा स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। मन बुद्धि संस्कार पवित्रता का अनुभव, शुद्धता का अनुभव, मन में शुद्ध संकल्पों की स्थापना। मन में जो भी अशुद्ध संकल्प हैं, अपवित्र संकल्प हैं, देह विकारों के अधीन संकल्प, उन सभी संकल्पों का अंत कर रहे हैं, सभी संकल्पों को समाप्त कर रहे हैं, कर देना है। मन में जो भी देह की दुनिया के संकल्प हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मन में शुद्ध पवित्र संकल्पों की स्थापना कर रहे हैं। मैं एक पवित्र आत्मा, देह से न्यारी, देह को चलाने वाली शक्ति और परमात्मा के साथ योग। परमात्मा निराकार शिव बाबा से निकलती शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। शक्तिशाली करंट मुझ में प्रवाहित है। सर्व शक्तियों का अनुभव परमात्मा के साथ योग, और योग में पवित्रता शक्ति का अनुभव। मैं शक्ति स्वरूप सर्व शक्तिमान, और इसलिए मैं चार घंटे की योगी नहीं, लेकिन निरंतर परमात्मा के साथ योग, परमात्मा के समान, और इसलिए निरंतर परमात्मा की याद। पवित्रता कभी कभी नहीं, लेकिन निरंतर सदैव पवित्र आत्मा सर्व विकारों को विदाई दे दे। मन में कोई भी क्रोध नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, सभी विकारों को विदाई दे दी, और इसलिए स्मृति स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिवान पूज्य स्वरूप निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाली मैं शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप। ओम शांति।